पंजाब में पाकिस्तान से लेकर खालिस्तान तक तरनतारन हमले को लेकर मान सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष कह रहा है कि मान सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो चुकी है। अजीब संयोग है कि पंजाब की सुरक्षा और आंतरिक मसलों को लेकर फिक्रमंद यहां के सीएम भगवंत मान जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन के भीतर मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी दिन कुछ घंटे के बाद तरन तारण के थाने पर हमला हो जाता है। ये भी अजीब संयोग है कि जिस दिन दोपहर के वक्त पंजाब पुलिस के मुखिया ये भरोसा दे रहे थे कि पंजाब में अमन चैन है, हर कोई महफूज है, ठीक उसी वक्त रात 11:22 पर तरन तारण में कोई ठीक थाने के बाहर रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है और ग्रेनेड दाग जाता है। लेकिन पंजाब पुलिस अभी भी दम भर रही है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिकेशन है कि यह जड़ी स्ट्रैटेजी साढ़े गवंडी देश की हैगी टू ब्लीड इंडिया बाई अ थाउजेंड कट्स कि इस तरह के अटैक करके जड़ी पंजाब पुलिस हैगी इन कोऑर्डिनेशन विद बीएसएफ इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज असी इस नू इन्वेस्टिगेट करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखो जी हाले फोरेंसिक डिटेल्स एग्जामिन की जा रही है, काफी सिमिलैरिटीज है तो असी इन डिटेल असी इन्वेस्टिगेशन बारे थोनू टाइम टू टाइम ब्रीफ करेंगे। और अब इस मसले को लेकर पुलिस के साथ साथ पंजाब की आप सरकार भी निशाने पर है। भगवंत मान सरकार को कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर नाकाम बताया जा रहा है। विपक्ष पूरी तरह हमलावर है और सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हमले के कुछ घंटे बाद सीएम भगवंत मान एजेंडा आज तक कार्यक्रम में थे, लेकिन इस घटना को लेकर टिप्पणी से बचते रहे। अभी इस पे डीजीपी साहब से मेरी बात हुई थी, रात 1 बजे हुआ रात ये, तो वो डीजीपी साहब पहुंच गए वहाँ पे। अभी अर्ली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही हमें कुछ पता चला तो हम आपको बता देंगे, अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन विपक्ष को लगता है कि मान सरकार पर अटैक का नया सबब मिल गया है। एक सुर से अकाली दल और कांग्रेस ने मान पर तीखे सवाल उठाए। बार कह चुके हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। पहले आरपीजी से इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ तो स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। अब ग्राउंड पे जो लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की यूनिट है वो थाना है, तो अब थाने के ऊपर तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में अटैक हुआ। जो अटैक हुआ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर, उसका मतलब है कि आम पंजाबी को ये बात समझाने की बात करने का, भैया अगर स्टेट ही हमारे से सेफ नहीं है, हमारे से स्टेट सेफ नहीं है, इनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स सेफ नहीं, इनके पुलिस स्टेशन सेफ नहीं, तो आप कैसे सेफ हो गए।